डेरिंग तब होंगी ना जब से कूद जाऊंगी। अभी क्या डेरिंग है। हेलो, तो आज हम जा रहे हैं कसार देवी। कसार देवी मंदिर जा रहे हैं आज हम आपको दिखाएंगे नई नई चीज़ें। सो लेट्स गो। हमारे साथ आ रहे पूजा और हमारे गुड्डू के मामा मामी, आपको दिखाती हूँ इनको। तो ये लोग कसार देवी जा रहे हैं, ये मेरी मम्मी नहीं जा रही। गुड्डू के मामा मामी आ रखे हैं, ये भी जा रहे हैं। मम्मी स्वागत कर रही हैं। पहाड़ की गाड़ी में हवा लगी रे, रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे। पहाड़ की गाड़ी। तो आज हम कसार देवी जा रहे हैं। कसार देवी एक मंदिर है और मंदिर के नाम से वो जगह काफ़ी प्रसिद्ध है और फेमस है। बताते हैं कि ये 2nd century का टेंपल है। अल्मोड़ा सिटी से कसार देवी अराउंड 8 kilometers की दूरी पे है और ये काफ़ी हाइट पे है, यही कोई 7000 अराउंड अबव सी लेवल की हाइट पे ये है, और मीटर्स में बोले तो 2100 समथिंग की हाइट पे ये है। और ये बहुत ही मैजिकल प्लेस है, दिखाऊँगी मैं आपको ऊपर जाके, काफ़ी हाइट पे, और यहाँ से व्यूज़ काफ़ी सुंदर दिखते हैं। तो ये जो फेमस है, ये मतलब एक तो मंदिर के नाम से फेमस है ऑब्वियसली। माता रानी ने बताते हैं कि दुर्गा जी का एक रूप, माँ कात्यायनी का रूप जो धारण किया था, तो ये माँ कात्यायनी जी का मंदिर है। यहाँ पे शुंभ निशुंभ का वध किया था राक्षसों का, ऐसा माना जाता है। और इसके अलावा मतलब यही है। और कसार देवी मंदिर के थोड़ा सा ऊपर जाके भैरव मंदिर और शिव मंदिर है, वहाँ से तो वो तो बहुत ज़्यादा हाइट पर हैं। और यहाँ पे इसको क्रैंक्स रिज भी बोला जाता है। क्रैंक पता नहीं क्यों बोलते हैं, रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिज है यहाँ पे, मतलब स्लोप है दो तरफ से और ऊपर से रास्ता है, तो क्रैंक रिज भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पे वैसे ना बहुत ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट है, किसी को मेडिटेशन करना है तो बहुत अच्छी जगह है, बेस्ट प्लेस टू मेडिटेट। एंड स्वामी विवेकानंदा यहाँ पे आए थे 1890 के आसपास आए थे, तब बताते हैं वो काफ़ी टाइम यहाँ पे रहे थे और उन्होंने यहाँ पे रह के मेडिटेशन किया था। एक गुफा है यहाँ पे जहाँ पे बैठ के उन्होंने मेडिटेट किया था। बॉब डिलन करके एक हैं अमेरिकन सिंगर और राइटर, काफ़ी सालों पहले वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया। मतलब बाहर के बहुत सारे सिंगर, ऑथर, राइटर, बाहर की सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आ चुके हैं, उन्होंने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत पीसफुली वो लोग यहाँ पे मेडिटेट हो पाते हैं इसी रीज़न से। बाकी मेरा फोकस कौन आया है यहाँ पे इस पे नहीं है, मेरा फोकस है यहाँ से आपको आप लोग को ब्यूटी दिखाना है यहाँ की, कि यहाँ से कितनी सुंदर ब्यूटी दिखती है और यहाँ के बारे में बताना। ये है यहाँ का मेन टेंपल माता रानी का, मैंने अंदर का कैप्चरिंग नहीं की है। और यहाँ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई हैं, लिखी गई हैं कि ये एरिया वैन एलन बेल्ट के अंदर आता है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, दुनिया में बस 3 ही मैग्नेटिक फील्ड है, कसार देवी एंड 2 अदर प्लेसेस, ऐसा बहुत कुछ बोला जाता है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द ट्रूथ इज़, तो मतलब उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूँगी, बिकॉज मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे और एक वीडियो देखा था, आई डोंट नो वो भी कितना रिलायबल था, बट उस बंदे ने बोला था कि उसने यहाँ से जाने के बाद उसने नासा में कोई उसके फ्रेंड्स होंगे उसने वहाँ पे कंसल्ट किया, पता किया, तो ऐसी कोई रिसर्च नासा की हुई नहीं है एक्चुअली यहाँ पे। आई डोंट नो ऐसा यहाँ क्यों कहा जाता है, बट हाँ उसने ये बात भी बोली है कि नॉट श्योर अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड्स, बट ऐसा यहाँ पे कुछ है जो इंसान को खींचता है, यहाँ कोई ऐसी स्पिरिचुअल पावर है या फिर कोई शांति है, ऐसा कुछ है जो इंसान यहाँ से बंध के रह जाता है, बंध जाता है। एंड आई एम श्योर कि जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस जगह के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर वो यहाँ आएंगे ना तो वो रियली खुश हो जाएंगे, ये ऐसी जगह है कि मतलब आप खुश हो जाओगे। अब हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं ऊपर भैरव मंदिर की ओर, जो शिव मंदिर भी है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना नीचे है कसार देवी मंदिर और उसके कितना ऊपर है शिव मंदिर, ये हम और ज़्यादा हाइट की ओर जा रहे हैं। और यहाँ रास्ता बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छे स्टेयर्स बने हुए हैं, मतलब यहाँ के जो ट्रस्टी उन्होंने यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा काम किया हुआ है हर चीज़ के लिए। ये मैंने पूजा को ओवरटेक
ये हम पहुंच गए हैं ऊपर शिव मंदिर, और वहाँ पे भैरव मंदिर भी है, और देखिए यहाँ से क्या नज़ारा दिखता है। और यहाँ पे क्योंकि शिव मंदिर है तो शिवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे अच्छा खासा मेला लगता है। और देखिए क्या कितने सुंदर पत्थरों से ये मंदिर बना हुआ है। और ये स्पेशली ये जो जगह है ना, ये तो एक तो डिफरेंट लेवल, एक अलग ही लेवल है। आप यहाँ पे एक बार आओगे ना, आपको यहाँ से नीचे जाने का मन ही नहीं करेगा। ये ऐसी जगह है, मतलब ऐसा लगता है बादलों के आसमान के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। और नवरात्रों में और बाकी कोई भी ओकेजन होता है तो यहाँ पे भंडारा भी लगता है, और भंडारा ऊपर ही लगता है, इसी मंदिर में लगता है। ठीक शिव मंदिर भैरव मंदिर के नीचे वाला एरिया है। यहाँ पे भी ऐसा माना गया है कि, ऐसा मैंने सुना है कि यहाँ पे भी जो गुफा दिख रही है इसके अंदर बैठ के मेडिटेशन किया था। देखो ऑब्वियसली यहाँ तो इंसान अच्छे से मेडिटेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ पैसे भी गिरा रखे हैं लोगों ने। इसके बाहर जो भी है, सारा ऊपर का भी एरिया सारा पाइन ट्रीज से कवर्ड है, तो यहाँ पे यहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा डाउन रहता है, ठंडा रहता है यहाँ पे टॉप में बहुत ज़्यादा। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से पूरा अल्मोड़ा सिटी दिखती है, और देखो दिख भी रही है, धुंध है बहुत ज़्यादा इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। और ये देखो ये भी एक पॉइंट है, इसको सनसेट पॉइंट बोलते हैं, और थोड़ा सा डेंजरस पॉइंट भी है, पर चलो चल के देखते हैं कि है क्या एग्जैक्टली यहाँ पे। ये एक सनसेट पॉइंट है, सनसेट कह लो या कुछ भी कह लो, बट हाँ दिस पॉइंट इज पॉइंट ही है, वैसे पॉइंटलेस नहीं है, इट हैज अ पॉइंट। चूल्हे की रोटी चूल्हे में रोली लगला बिलोरी का घाम। वो लोग वहां बैठ गए। हाँ नहीं रे, आ जाओ। वाह यार पूजा, ऐसा अच्छा दिख रहा है, ये देखो रोड। अरे कुछ नहीं होता, अपना संभल के रहे। ओ माय गॉड, इसके है यार पुष्पा दीदी, भाई साहब डेरिंग तब होगी ना जब से कूद जाऊंगी। अभी क्या डेरिंग है यार, देखो दीदी डर लग रहा है, मैं सोचूं यहां पहुंचूं ना पहुंचूं। देखो गाइस हम कहां आ गए, दीदी थोड़ा पीछे हो जाओ यार। अरे आगे बहुत स्पेस है यार, आ जा। हाँ बिल्कुल, निकी और पूछ पूछ। देख अल्मोड़ा दिख रहा है कितना सुंदर। उसे कह दो आए 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 जो दिल लगे तेरा सालोनी बादल के कॉलोनी दिखला दे ठेंगा इन सब को जो उड़ना ना जाने। बाजा छुम छुमा रूप सार मोती घुंगुर ना बाजा छुम छुमा जागी जा मठु मठु। और अब हम कसार देवी से वापस जा रहे हैं, हमारा यहाँ कसार देवी का ट्रिप हो गया एंड। कसार देवी के आसपास भी काफ़ी जगह है देखने को, एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, बौद्ध मठ जिसको बोलते हैं, मेडिटेशन सेंटर है, और यहाँ पे एक शारदा मठ भी है, और एक कलमटिया भी है जो एक आयुर्वेदा सेंटर है। ये देखो इस बोर्ड को कुछ ज़्यादा ही ओबे कर दिया बच्चों ने। और फिर हम वहाँ से चले गए लाला बाज़ार घूमने, अल्मोड़ा मार्केट की, लाला बाज़ार की सबसे सबसे मतलब अच्छी जगह यही है। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक घर देखने को मिलेंगे पुराने ज़माने के, जो पहाड़ों में हुआ करते थे, मतलब अभी भी इन लोगों ने कितना ब्यूटीफुली मेंटेन किया हुआ है,
मतलब इट लुक सो कलरफुल सो गुड, मतलब बहुत सुंदर है। पहले टाइम पे हम लोग के दादा परदादा सबके सब लोग के घर ऐसे ही हुआ करते थे, इसी स्टाइल में हुआ करते थे। मतलब ये सारे शायद एक ही फैमिली की है, पूरे लाइन से कितना अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ यार। दिस इज सो कलरफुल, मतलब मजा आ गया यहाँ पे तो इसको देख के। मैं को इमली बूटो इमली टीपी खूलो, चार दिन देश जूलो फिर पहाड़ यूलो, पहाड़ की गाड़ी में हवा।